हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं जो एसएससी एमटीएस में फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं और उनकी अब जॉइनिंग नियरेस्ट है, या कुछ बंदों की जो या कुछ स्टूडेंट्स की जॉइनिंग हो चुकी है, तो वो सब मुझसे पूछ रहे हैं क्या एसएससी एमटीएस पे भी स्टे लग रहा है, क्योंकि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एसएससी सीजीएल 2017 और एसएससी सीएचएसएल 2017 के रिजल्ट पर स्टे लगा दिए, तो उनको भी डर लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी जो गाज है कहीं हम पे ना गिर जाए, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं जेन्यून हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस टाइप के नहीं हैं जो पढ़ के ना गए हों, क्योंकि एसएससी एमटीएस की अब ज्वाइन हो रही है, तो उनको लग रहा है ऐसा ना हो कि हमारी जो बनी बनाई जॉब है वो चली जाए। इसलिए मैं उस चीज़ का इसमें आंसर देने वाला हूँ सारी चीज़ों का, कि क्या आपके एग्जाम पर स्टे लग सकता है या नहीं लग सकता है, या आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आपको बताते हैं क्या एसएससी एमटीएस पर स्टे लग सकता है या नहीं। तो मेरा पहला एक वर्ड में आंसर होगा नहीं, क्योंकि मैं बता दूं सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट के जो संज्ञान में या उनके सिवमोटो में जो भी नॉलेज आई है वो अभी सिर्फ एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल 2017 के एग्ज़ाम को लेकर रिजल्ट को लेकर आई है। उनको पहले दफ़ा या पहली नज़र में इनको ये लगा है कि ये जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं टेंटेड है, तो इसमें कहीं भी जिक्र एसएससी एमटीएस का नहीं है। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि आपका एग्ज़ाम इसके अंदर या इसके एरिया में क्राइटेरिया में अभी नहीं लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपके एग्ज़ाम के ऊपर भी एग्ज़ाम करें या कुछ करें। हाँ, अगर कोई अलग से अपना कोई रिट अपील करता है उसमें कि एसएससी एमटीएस के ऊपर भी केस होना चाहिए, या क्योंकि 2017 में वो भी एग्ज़ाम हुआ है, और मैं बता दूं सबसे पहली बात कि जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भी 2017 में हुआ है, पूरे प्रोसेस भी 2017 में हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि एसएससी के जितने भी 2017 के एग्ज़ाम्स हैं लगभग सारे टेंटेड है, तो उन पर ही जाँच होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। बट अभी जो रिजल्ट आया है, फर्दर रिजल्ट आया है, अभी सिर्फ एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के रिजल्ट पर उन्होंने स्टे लगाया हुआ है, बाकी किसी एग्ज़ाम पे ना सीपीओ एग्ज़ाम पे और ना एमटीएस के एग्ज़ाम पे ना स्टेनो के एग्ज़ाम पे ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में अब अगर अपील कर देता है इस चीज़ को लेके कि एमटीएस का एग्ज़ाम या सीपीओ का एग्ज़ाम या स्टेनो का एग्ज़ाम भी 2017 में हुए हैं, तब उनके अगर माइंड में ये चीज़ आती है तब वो इस एग्ज़ाम को लेके आगे कुछ एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज अभी ये एग्ज़ाम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है कुछ स्टूडेंट की और ज्वाइनिंग होने वाली है। और अब मैं बता देता हूँ, जैसे जब एक ज्वाइनिंग हो जाती है तो मोस्टली उस केस को सुप्रीम कोर्ट भी या इसके अलावा भी बहुत सारे जो एजेंसीज़ हैं जो उसको इन्वेस्टिगेशन करने वाली हैं वो भी उन कैंडिडेट्स का भी ध्यान रखा जाता है जो फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं या ज्वाइन हो चुके हैं या ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी एसएससी एमटीएस के लेके कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल को ही कार्रवाई की जा रही है। आप अभी बिल्कुल सेफ है, आप ज्वाइनिंग करिए, और अब इस चीज़ का आप जितने भी मुझे कम से कम ये समझिए 40-50 कमेंट्स सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर आ गए हैं कि सर हमारे एग्जाम पर भी कमेंट्स, बहुत सारे लोगों के अलग अलग इसमें परसेप्शन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें भी स्टे लगना चाहिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बोल रहे हैं इसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं हमें। फिर हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, अगर प्रूफ होंगे तो इसमें स्टे लगेगा, और प्रूफ नहीं होंगे और उनके पास में या ऐसा नहीं हुआ होगा तो आपको बता दूंगा ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका ज्वाइनिंग चलती रहेगा। अगर आप ज्वाइन भी कर चुके हैं तो आपको ज्वाइन से हटाया नहीं जाएगा, आपकी जॉब श्योर रही, आपकी जॉब लेने का अधिकार अब किसी के पास नहीं है, आप जॉब आपकी लग चुकी है। तो यही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, और अभी भी आपको कोई कमेंट्स या क्वेरी है तो मुझे प्लीज़ इनबॉक्स में अपने या कमेंट्स में आप मुझे क्वेश्चन करिए, मैं हो सके कि वहाँ पे आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।